मत, ये सिर्फ गरज ही सकता है। बरसने की ताकत गई, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालासुर, तेरा डर खत्म, तेरी कहानी खत्म। नहीं गाने नहीं, गलतफहमी है तेरी। मेरी कहानी तो तब खत्म होगी जब तू मेरे साथ चलेगी। पवित्र अग्नि है ना, अब यही पवित्र अग्नि गौरी तेरे पूरे परिवार तुम ठाकुरों को जला के राख कर देगी। गौरी दे। जब तक गौरी मेरे पास नहीं आएगी, तुम में से कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। एक एक की चिता यही जलेगी, सब मरेंगे। गौरी, मुझे गौरी को उमा का सच बताना है। मुझे अभी गौरी से मिलना है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिक्र मत करिए, कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से घायल हो चुकी है। जब तक ये लॉकेट उसके गले में है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगी। सबको मार दूंगा। अरे गौरी बेटा, अरे उठाओ बेटा, मेरा हाथ मुझे दे दो, वरना सबको मार दूंगा। आप लोग सब मंदिर की तरफ चलिए, कालासुर कुछ नहीं कर पाएगा। भागो, भागो, भागो।
देखा कालासुर, भगवान का चमत्कार। तेरा एक हाथ पहले से ही भगवान के चरणों में है और तेरे दूसरे हाथ से उन्होंने मुझे बचा लिया। अब क्या करेगा? हाँ, राज बेटा, राज बेटा। आप यहाँ, आप कमरे से बाहर कैसे आई? राज बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है। कौन सा राज? इस बुढ़िया ने अगर मुंह खोला तो उमा का राज खोल देगी। नहीं, मुझे इसका मुंह बंद करना होगा और इसके लिए मुझे पहले ये लॉकेट निकालना होगा। वो कालासुर की मददगार, वो काले कपड़े वाली औरत। आप जानती हो उसे? वो मैं जो राज धरा। नानी, नानी, ये क्या हो गया आपको? नानी, धर्म डॉक्टर को बोला। डॉक्टर जल्दी आइए। नानी, आपको आपको दर्द हो रहा है ना? डॉक्टर आ ही रहे हैं। वो नाम बोलिए। हाँ नानी, बोलिए नानी, नानी बोलिए, नानी बोलिए, बोलिए नानी। यक्षिणी, यक्षिणी, मान ले कि तू हार गया। जुगनी जी, विनाश कर दीजिए इसके हाथ का। जिस हाथ से इसकी कहानी शुरू हुई थी राम नामगढ़ में, उसी हाथ से इसके अंत की शुरुआत होगी। हाँ,
तेरा ही अंत कर देता हूं।